नमस्कार, हम बाड़ी राजन मिश्रा, भोजपुरी बातों पे आपका स्वागत बा। हमारे साथ बाटन भोजपुरी फिल्म डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद जी। सर, आज संजय भूषण भैया के शादी के माहौल में का कहे चाहत बाड़न आप? देखिए, सबसे पहले तो नव दंपति के हमारा तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। और आज संजय भूषण पटियाला भोजपुरी इंडस्ट्री में कोनो परिचय के मोहताज नहीं थे, और खास करके भोजपुरी के एगो नया आयाम देवे में उनका बहुत बड़ा योगदान बा। और आज जौन अपन जीवन के एगो नया पारी शुरुआत कर रहा बा, हमारा आशा नहीं पूरा विश्वास बा कि जैसे ये फिल्म इंडस्ट्री के एगो नया आयाम दिले बा, कहीं ना कहीं अपना जौन अपन मैरिड लाइफ बा अपन उकरों के बहुत अच्छा एगो मतलब रूप दे के समाज में मिसाल के कायम करिए। सर, आपके एगो फिल्म खेसारी जी के साथ आई है, उसके बारे में कुछ बताओ। हाँ, एगो फिल्म हम कल्याणी सब दुल्हन गंगा पार के, खेसारी जी के बेटी भी बहुत अच्छा अभिनय कर, और हर अवार्ड फंक्शन में फिल्म के अवार्ड भी मिल रहा बा, मतलब उनके बच्ची के भी। वो फिल्म पारिवारिक रहे और ओकर भी पीआरओ सिर्फ संजय भूषण पटियाला के ही रहे, और फिल्म बहुत बढ़िया मतलब चलल, और उनमें कहीं ना कहीं योगदान संजय। नई फिल्म जो आप कहे वाली है जो काम चला था, कुछ फिल्म के अभी लाइनअप बा, अभी नाम कुछ दिन में डिसाइड हुई, और बीच में थोड़ा सा मतलब गैपिंग रख के कुछ अच्छा करे के मतलब हमारे को, हमारी कोशिश है कि काम कम कर जाओ लेकिन अच्छा कर जाओ, ठोस कर जाओ। हमारे को अपन सामाजिक छवि जौन बा वो कंटिन्यूटी में बनल रहेला, मतलब हर जगह हर वक्त कहीं ना कहीं कौन ना कौन मोमेंट में समाज के प्रति हमनी के समर्पित भावना रहे। जी हाँ, तो ही रहना भोजपुरी फिल्मों का डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद जी की बताऊँगा कि संजय भैया के दाम्पत्य जीवन के इनकर आशीर्वाद बा। राजन मिश्रा, भोजपुरी बातें, पटना।